नमस्कार दोस्तों, आ गया है हमारे पास VGR का V390 शेवर। आप ही में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था भाई इसका रिव्यू करो, तो लो भाई आपकी ख्वाहिश सड़कों पर। आपकी बात हम ना माने ऐसा ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले सीधे बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही हम बॉक्स ओपन करेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक यूजर मैनुअल, एक VGR का शेवर। एज ऑफ नाउ देखने में क्वालिटी वाइज काफी सही लग रहा है। इसके बारे में आगे आपको हम और भी जानकारी देंगे। शेवर के साथ में एक चार्जिंग केबल भी दिया गया है जो कि USB Type A to माइक्रो USB केबल है। अगर ये USB Type C होता तो और भी अच्छा होता। साथ में एक एक्स्ट्रा फॉइल भी दिया गया है और एट द एंड हमें मिलता है एक क्लीनिंग ब्रश। तो यही और सारे के सारे एक्सेसरीज जो हमें इनसाइड द बॉक्स देखने को मिल जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट गाइस, ये रहा अपना VGR V390 फॉइल सेवर। कंप्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ में ही आता है और फ्रंट साइड में VGR का ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम इसे कैप को बाहर निकाल लेते हैं और जैसे कैप को निकालते हैं आप देख सकते हैं एट द टॉप दिया हुआ है फॉइल सेवर, जिसके हेल्प से अपन बियर को पूरा क्लीन शेप कर पाओगे। एक चीज़ मैं को पहले कंफर्म कर दूं, दिस इज़ नॉट अ वाटरप्रूफ शेवर। तो शेविंग क्रीम लगा करके इसको यूज़ मत कीजिएगा, ना ही पानी लगा करके यूज़ कीजिएगा, ख़राब होने के चांसेस है। इस शेवर को सिर्फ और सिर्फ आप अपने ड्राई स्किन पर ही यूज़ कर पाएंगे। बाय द वे ट्रिमर के नीचे दिया हुआ है USB पोर्ट, जिसके हेल्प से आप इस ट्रिमर को चार्ज कर पाएंगे। चार्जिंग टाइम है 8 आवर्स और एक बार कंप्लीट चार्ज करने पर आप टू 45 मिनट्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगी। एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इतना सस्ता शेवर है ये। इसके बावजूद भी देखो यहाँ पे ट्रिमर भी दिया हुआ है। अगर आप इस बटन को पुश करेंगे ऊपर की ओर तो ट्रिमर जो है वेरी इजीली बाहर आ जाता है। हालांकि इससे अपने पूरे बीयर्ड को ट्रिम नहीं कर पाओगे, इसे जो खत का लाइन वगैरह होता है ना, वो सभी देने के लिए आप आराम से इस ट्रिमर का इस्तेमाल कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये प्रोडक्ट। अब चलिए अपने बीयर्ड को लाइव ट्रिमिंग टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या सच में ये शेवर हमारे बीयर्ड को अच्छे से क्लीन शेप कर पाता है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, अब चलिए बात करते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। देखो लगभग मैं काफ़ी समय तक अपने नेक लाइन को ही क्लीन करने में लगा दिया, बट इसके बावजूद भी नेक लाइन देखो अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा वक्त लेता है ये जो शेवर है आपके बियर्ड को क्लीन शेप करने के लिए। पूरा फुल बियर्ड को ट्रिम करोगे तो मेरा मानना है 15-20 मिनट पे भी आप अच्छे से पूरा फुल क्लीन नहीं कर पाओगे। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो VGR का फॉइल शेवर है मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। फिर भी अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके एटलीस्ट इस प्रोडक्ट को देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।